एक बहन का सवाल है, क्या खानदान के किसी भी शख्स का पैदाइश दिन पर खुशी मनाने मनाते हुए मोमबत्तियां जलाना, केक काटकर एक दूसरे को खिलाना जायज है, और नेक ख्वाहिशात का इजहार करना और इस मौके पर तोहफे देना शरान कैसा है? किताब सुन्नत की सही दलाइल से बराए मेहरबानी रहनुमाई कीजिए। तो बर्थडे मनाना ये गैर मुस्लिमों का की तहजीब है, और गैर मुस्लिमों की तहजीब अपनाना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि मन तशब्बह बिकौमिन में से है, कौमिन हम कहा गया है कि उसी के रास्ते पर है वो। तो मुसलमानों को चाहिए कि बर्थडे न मनाएं। किस दलील की बुनियाद पर? कि अगर बर्थडे बनाना मनाना मशरू होता तो फिर सबसे अहम शख्सियत तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसकी मनाते। हो सकता है कोई क्या है ना, मीलाद तो बना रहे हैं, मीलाद कौन लोग मना रहे हैं? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मीलाद मनाने के लिए कहा कि हमारी बरसी मनाओ? क्या सहाबा किराम ने किया? खुलफाए राशिदीन के ज़माने में पाया गया, ताबीन ताबीन के ज़माने में पाया गया? नहीं, सरफ के यहाँ ये चीज़ नहीं है। ये इसलिए बिदअत में दाखिल है, ये बिदअत में दाखिल है और तशब्बुह बगैर कौम दाखिल है, इसलिए ये नाजायज़।